नमस्कार, शाम के 5 बजने को है दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जबरदस्त तरीके से दिल्ली का दंगल रहा, लेकिन मंगल हुआ है आम आदमी पार्टी का। जी हां, दिल्ली के दंगल में 250 वार्ड में आम आदमी पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले, विधानसभा चुनावों की तरह विशाल जीत तो हासिल नहीं हो पाई, लेकिन स्पष्ट बहुमत से ज्यादा आंकड़े हासिल कर चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को हम देखें, गौर करें उनके बयानों पर, तो वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। और उनका ये कहना है कि भले ही कुछ हम सीटों के मुकाबले पीछे रह गए हों, लेकिन हमारा ही मेयर बनेगा। अब मेयर को लेकर ये जो खींचतान राजधानी दिल्ली में छिड़ी हुई है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी के इस प्रचंड जीत के मतलब और मायने क्या हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई 104 सीटों के साथ, वहीं आम आदमी पार्टी को 134 यानी 126 के बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल रहा, डबल डिजिट के आंकड़े को भी वो छू नहीं पाई है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी जबरदस्त तरीके से गिरा है, और अगर उसको हम देखें तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस का पूरा वोट फीसदी जाकर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया है। जबकि बीजेपी 2017 के मुकाबले उसके वोट प्रतिशत में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन सीटों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में आज बड़ी चर्चा हम करेंगे। आम आदमी पार्टी की एमसीडी में इस प्रचंड जीत के मायने आगे आने वाले वक्त में और किस तरह से निकाले जाएं, आपकी ये जीत क्या कहती है और दिल्ली में किसका होगा मेयर, क्योंकि एक तरफ आपकी जीत, दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के दावे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी। दिल्ली में एमसीडी के दंगल में आम आदमी पार्टी जीत गई। 15 साल की सत्ता के बाद एमसीडी में बीजेपी को शिकस्त मिली है। केजरीवाल बाग बाग है। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया, लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है। I love you too. आपको आंकड़ों में उतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन एमसीडी में मुद्दों की राजनीति पर बीजेपी को शिकस्त देना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी है। और इस मौके पर केजरीवाल ने दिल्ली को साफ करने का ऐलान किया। सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है, अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अपने को जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केजरीवाल अब राजनीति छोड़कर काम में जुट जाने का आह्वान करते हैं, लेकिन दिल्ली के दंगल में बीजेपी को पटकनी देने का जोश ऐसा है कि राजनीति छूटती नहीं। गाली गलौज करते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है, और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि एमसीडी में जीत को केजरीवाल अपनी सरकार के मंत्रियों के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली वालों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। केजरीवाल की कैबिनेट में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र के 4 में से 3 वार्ड हार चुके हैं।
उसी तरह हवाला कांड में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के विधानसभा इलाके में भी आम आदमी पार्टी हार गई है। 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, हमें समर्थन दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी को लार्जली उन्होंने सपोर्ट किया है। बीजेपी का मानना है कि आम आदमी पार्टी की 8 साल की सरकार के बावजूद दिल्ली वालों ने उन्हें वैसा जनादेश नहीं दिया है जिसका दावा केजरीवाल कर रहे थे, और ऐसे कांटे के टक्कर में बीजेपी के लिए संभावनाएं खत्म नहीं हुई। इतना समर्थन दिल्ली का एक बहुत बड़ा नैतिक जीत है, मेयर हमारा बन जाए। लेकिन पार्टी के लोग पिछली बार की तुलना में 80-90 सीटें हार रहे हैं, बावजूद इसके आपके सामने आके बोल रहे हैं, मुझे तो अभी भी शर्म आ रही उनके ऊपर। हालांकि एमसीडी चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भले जीत गई हो लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में कमी नहीं है बल्कि बढ़त ही दर्ज की गई। अभी तक के आंकड़ों में देखें तो 2017 में बीजेपी को करीब 36% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को तब करीब 26% वोट मिले थे और कांग्रेस को तब 21% वोट मिले थे। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को 39% वोट मिलता दिख रहा है, आम आदमी पार्टी को 42% के आसपास वोट मिलते दिख रहे हैं जबकि कांग्रेस को सिर्फ 12% वोट ही मिलते दिख रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 10% एक मुश्त वोट आम आदमी पार्टी को मिले हो सकते हैं। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ये गाना तो मनोज तिवारी का था लेकिन बज रहा था आम आदमी पार्टी के दफ्तर में और आपके कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी विधानसभा में तो वहीं एमसीडी में मेयर बनाने का दावा करती हुई, लेकिन बीजेपी के इस पूरे मामले में अपने ही दावे हैं कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, सीएमडी हैं आप एक्सिस माय इंडिया के। संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रोफेसर और को डायरेक्टर हैं लोक नीति सीएसडीएस के। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विजेंदर गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मुदित अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं रीना गुप्ता जी भी। इन सभी से चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन उसके पहले चूंकि कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिस पर नजर डालना बेहद जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में पूरी की पूरी 7 सीटों पर कब्जा कर लिया था लेकिन अगर सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को हम देखें तो उनके इलाके में वोट के हिसाब से क्या प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का, अब वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, एक एक करके तमाम वो आंकड़े आपके सामने आते हुए चले जाएंगे जिससे पता चलेगा कि बीजेपी के सांसदों का कितना प्रभाव है और अपने अपने वोट को जिताने के लिए। सबसे पहले देखिए रमेश विधोड़ी साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली से रमेश विधोड़ी हैं। कुल वोट 37 है यहाँ पर जिनमें से बीजेपी को 13 सीटों पर, आप देख पा रहे हैं 13 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली है, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी, यानी कि रमेश विधोड़ी के इलाके में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें ज्यादा हासिल कर ली है और यहाँ पर अब रमेश विधोड़ी को सोचना होगा कि आखिर वो कहाँ कमियां रह गई जिसके कारण साउथ दिल्ली ने एक तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। कांग्रेस पार्टी एक पर रमेश विधोड़ी जो साउथ दिल्ली से सांसद है बीजेपी के। अब अगला नाम जल्दी से इस गाड़ी को आगे करते हैं, अगला नाम गौतम गंभीर का, ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर सांसद हैं, वो आंकड़ा भी आपके सामने हम रखेंगे। गौतम गंभीर जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर सीधा अटैक करते रहे चाहे ट्वीट के जरिए चाहे अपने बयानों के जरिए, कूड़े के पहाड़ को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जब जबरदस्त तनातनी चली तो हमने देखा गौतम गंभीर ने किस तरह से हमला किया था। और देखिए सांसद जी के इलाके में यहाँ पर आप देखेंगे गौतम गंभीर के कुल वार्ड ईस्ट दिल्ली में आते हैं 36, बीजेपी 22 पर आम आदमी पार्टी 11 पर, तो यहाँ बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है इन 36 वार्ड में, बीजेपी 22 पर जबकि आम आदमी पार्टी पीछे है 11 सीटों के साथ, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें यहां पर हासिल की है। ये गौतम गंभीर के ईस्ट दिल्ली का हाल है। अब आगे बढ़ते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मनोज तिवारी के इलाके का हाल आपको दिखा देते हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, पूर्वांचली वोटरों पर जबरदस्त उनकी पकड़, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ पूर्वांचली वोटर जहां आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट किया है तो वहीं दूसरी तरफ सांसद जी के इलाके का हाल जानिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं मनोज तिवारी के इलाके में कुल आते हैं कुल 41 वार्ड
और यहाँ पर बीजेपी 18 पर, आम आदमी पार्टी ने 17 पर, यानी कि एक पीछे है। कांग्रेस पार्टी ने 4 पर जीत हासिल की है। बीजेपी 18 पर, आम आदमी पार्टी 17 पर, कांग्रेस पार्टी 4 पर। और यहाँ पर भी देखा जाए तो एक तरह से कांटे की टक्कर मनोज तिवारी के इलाके में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रहा है। बीजेपी सांसदों का, 3 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको दिखा दिया है। और अब आगे बढ़ते हुए अगला नंबर लेकर आते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से आप सांसद हैं, मुझे लगता है ये गाड़ी आगे की जाए ताकि अगले सांसद का भी रिपोर्ट कार्ड हम सामने रखें। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से हैं, कुल वार्ड 30 है वहां पर, बीजेपी 16 पर, आम आदमी पार्टी 14 पर। तो चांदनी चौक में बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा रहा है। प्रवेश वर्मा वेस्ट दिल्ली से सांसद हैं, कुल वार्ड 38 है, बीजेपी 14 पर, आम आदमी पार्टी 24 पर। प्रवेश वर्मा को सोचना होगा कि आखिर वो क्या कारण रहे कि प्रवेश वर्मा के इलाके में, आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी के मुकाबले। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से हैं, कुल वार्ड 25, बीजेपी 5 पर, बहुत बुरा प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी 20 पर, मीनाक्षी लेखी के इलाके में, ये आंकड़ा आपके सामने है, देखिए मीनाक्षी लेखी के इलाके नई दिल्ली में जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला है। और यहाँ पर आप 20 पर, बीजेपी सिर्फ 5 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला हंसराज हंस, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आप सांसद हैं, कुल वार्ड 43 है, हंसराज हंस के इलाके में बीजेपी 14 पर, आम आदमी पार्टी 26 पर, आम आदमी पार्टी 26 पर। एक बहुत बड़ा फर्क हंसराज हंस के इस इलाके में भी अगर देखा जाए तो, अगर गौतम गंभीर के इलाके को छोड़ दें और मनोज तिवारी को छोड़ दें, हालांकि वहां पर भी कांटे की टक्कर जरूर नजर आई, तो हर जगह आपका प्रदर्शन बीजेपी के इन सांसदों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए अगर हम दिखा पाएं, जितने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी चेहरे रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री, उनके इलाके में क्या हाल रहा है, वो आंकड़ा भी आपके सामने हम रखेंगे कि मंत्रियों ने एक तरह से पटपटगंज, जो कि मनीष सिसोदिया का इलाका है, आपको बताते चले कि वहां पर हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। सत्येंद्र जैन का इलाका भी आपको दिखाएंगे, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब तो मतलब हार तो मान लेना चाहिए ना बीजेपी को, सर आंकड़ों में आम आदमी पार्टी आपसे कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली का कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं है कि मेयर आपका बनेगा। क्या है ये आत्मविश्वास की वजह, या अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो रही है बीजेपी? देखिए चित्रा जी, मैं चुनाव तो खैर मेयर का भी जब होगा जब बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी कह रहे थे हमने काम किया दिल्ली में, लेकिन उनका वोट प्रतिशत विधानसभा में लगभग 54-55% था, जो घटकर के 42% रह गया। और भारतीय जनता पार्टी जिसका वोट शेयर 39% से ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के मात्र 2-2.5% वोट का अंतर रह गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, फिर उनके भ्रष्ट मंत्री 3 सीटें हार जाते हैं, उनके उप मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की सारी सीटें हार जाते हैं, एक सीट जीतते हैं, मेयर कैसे बनेगा आपका? तो आम आदमी पार्टी किस भरोसे, सीटों में तो आप नहीं, मैंने तो नहीं कहा मेयर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या है अभी तो मेयर का विषय ही नहीं है। आज देखिए मैं इतना कहूंगा कि आज चुनाव परिणाम आए हैं, मेयर का चुनाव जब होगा 10-15 दिन में, कब होगा, क्या होगा, कब हाउस बैठेगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन विषय ये है कि जो परिणाम है, हम 100 से ज्यादा सीटें जीते, ये कोई साधारण नंबर नहीं है। आम आदमी पार्टी, अगर केजरीवाल जी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं अपनी स्थिति से, तो वो ये समझ लें कि किस तरह उन्होंने निगम को प्रताड़ित किया, किस तरह निगमों के फंड्स को रोका और एक षड्यंत्र किया, उसके बावजूद आज दिल्ली के लोगों ने 39% से ज्यादा वोट भाजपा को देकर और मात्र 2-2.5% के अंतर पर, वो अगर ये कहते हैं कि दिल्ली ने उनको जिताया है तो ये उनकी भूल है। ठीक है सर, मैं रीना जी से जवाब ले लेती हूँ, लेकिन सीटों का कितना बड़ा फर्क है पिछले बार के मुकाबले, दिल्ली बीजेपी को समझना होगा। तकरीबन 80 सीटों के आसपास पिछले बार के मुकाबले आपकी सीटें कम है सर। मैं एक मिनट, आपके चैनल पर केजरीवाल जी ने लिख कर दिया था बीजेपी की 20 सीट आएंगी, लिख कर दिया था ना? बिल्कुल। तो इससे समझ लीजिए उनकी कितनी बड़ी हार है।
रीना गुप्ता जी, ये बात तो सच है ना, लिख लिख के कहते थे उनकी 230 ये जो आत्मविश्वास दिखाया जा रहा था बीजेपी की 20 सीटें आएंगी, बीजेपी हार जाएगी, ये होगा वो होगा, बीजेपी का वो बुरा हाल नहीं कर पाए हैं आप लोग। देखिए सीटें जरूर कम हुई हैं लेकिन वोट प्रतिशत उसका 3% बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले, और 20 सीटों के मुकाबले 104 सीटें जीती है बीजेपी ने। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी या हर जगह झाड़ू चल जाएगा, कमल को इकट्ठा करके किनारे कर देंगे, ऐसा नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी। चित्रा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज दिल्ली ने एक काम की राजनीति को फिर से वोट दिया और दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एलजी हो, चाहे इलेक्शन डिले करना हो, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन इकट्ठा करना हो, सारे हथकंडे जो थे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हारी है। जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़ों को आप जैसे चाहे वैसे देख सकती हैं। आंकड़ों को अगर हम 2017 में 2017 एमसीडी के आंकड़े देखें तो 2017 से हमारे वोट प्रतिशत में 17% की वृद्धि हुई है चित्रा जी। तो ये एमसीडी टू एमसीडी इसको कंपैरिजन करा जाए तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, और ये सीधा सीधा आज ये दर्शाता है। 2017 तो 3 साल पहले था, 5 साल पहले था, 2020 था। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ विजयन गुप्ता जी, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया चित्रा जी, बिल्कुल क्लियर हो गया आज कि एक छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास बेनामी चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जो 9 मुख्यमंत्री, 24 केंद्रीय मंत्रियों की बारात दिल्ली में जिन्होंने उतारी, फिर भी दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति, साफ राजनीति, और उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि उनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है। और ये भी आज की मंत्रियों पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है, मंत्रियों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा रीना जी। दरअसल बहुत जरूरी होता है कि जैसे हमने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनका रिपोर्ट कार्ड उनके इलाके में क्या हो गया है वो भी बताना देश को बहुत जरूरी है। एक एक करके तमाम वो आंकड़े हम रखेंगे देश के सामने। सबसे पहले बात उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की करेंगे। मनीष सिसोदिया के वार्ड में 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, हालांकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे जांच को लेकर सवालों के दायरे में रहे मनीष सिसोदिया, लेकिन उनके पटपड़गंज में विधानसभा में भी आपको याद होगा मनीष सिसोदिया के लिए आखिरी तक जीत काफी मुश्किल लग रही थी, हालांकि बाद में फिर उनको जनादेश मिल गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज में 4 में से 3 सीटों पर हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। सत्येंद्र जैन जेल में मंत्री हैं, उनको अदालत से राहत नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन का वीडियो वॉर भी दिल्ली में हम सब ने देखा था, इस दंगल में किस तरह से छाया रहा, बीजेपी हमलावर रही। सत्येंद्र जैन के इलाके में तीनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है, तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी हार गई है। कैलाश गहलोत, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अब जांच की बात बार बार बीजेपी की ओर से की जाती रही है। कैलाश गहलोत तीनों सीटों पर हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। कैलाश गहलोत के इलाके में भी जल्दी से वो गाड़ी आप आगे लेकर आइए। यहाँ पर देखिए कैलाश गहलोत मंत्री हैं, इनके ऊपर भी बीजेपी हमलावर रहती है। 3 सीटें आती हैं इलाके में, जिस तरह से सत्येंद्र जैन के इलाके में तीनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है आम आदमी पार्टी को, वैसे ही कैलाश गहलोत की भी तीनों सीटों पर हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। अब आगे बढ़ते हुए अगली गाड़ी मंगाते हैं। एक एक करके ये आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड है जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि मंत्रियों की स्वीकार्यता उनके इलाके में वार्ड की जब बात आती है तो क्यों नहीं होती है। गोपाल राय के इलाके में 4 वार्ड हैं, जिनमें से सिर्फ एक पर आप जीत पाई है, 3 पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। गोपाल राय का यही इलाका, लेकिन वहां पर हार का सामना, आप भी कद्दावर मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, लेकिन 4 में से 3 सीटों पर हार जाना आखिर ये क्या बताता है। जल्दी जल्दी करके आगे की गाड़ियां भी मंगाइए, इमरान हुसैन की बात कर लेंगे। इमरान हुसैन का ये इलाका 3 में से 1 सीट पर हार का सामना यहां पर आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। तो एक तरफ मनीष सिसोदिया 4 में से 3 पर हारी आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन 3 सीटों पर हारी, कैलाश गहलोत 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा आपको,
गोपाल राय 4 में से 3 पर हारे, इमरान हुसैन 3 में से 1 सीट पर हार का सामना यहां पर करना पड़ा है और राजेंद्र पाल गौतम जिनके विवादित बयान को लेकर बीजेपी हमलावर थी आम आदमी पार्टी के ऊपर 3 में से 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। ये रहा है मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। अब जल्दी जल्दी मैं अपने मेहमानों का रुख करते हुए सबसे पहले प्रदीप गुप्ता जी आपके पास आते हुए, एक तरफ जहां बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आई तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के लिए भी देखिए मंत्रियों के इलाके में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन चूंकि अब देश आपके एग्जिट पोल पर भी नजर बनाए हुए है और आपने कहा था कि जो भी होगा मैं सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, ये जो फाइनल आंकड़ा सामने आया है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये सही है कि इस बार एक्सिस माई इंडिया जो जिसके लिए जाना जाता है और आज तक चैनल एग्जैक्ट पोल करने के लिए, तो हम एग्जैक्ट पोल ना कर पाए हैं, ये बिल्कुल सही है, हम उसको कर पाने में फेल हुए हैं। हमारे एग्जैक्ट पोल का यदि फासला देखें, जो बीजेपी की पहले बात कर ले 104 सीटें मिली हैं, तो 91 के आंकड़े से 13 सीटें बीजेपी को ज़्यादा मिली और 149 हमारी जो रेंज की शुरुआत थी आम आदमी पार्टी के संदर्भ में उसमें 15 सीटें आम आदमी पार्टी को कम मिली और कांग्रेस को 2 सीटें ज़्यादा मिली। ये तो हो गया सीटों का आकलन। अब वोट शेयर की बात कर लें तो हमने आम आदमी पार्टी को 43% वोट दिया था जो कि 42% मिला, बिल्कुल। बीजेपी को हमने 35% दिया था जो कि 39 यानी कि 39% मिला। यहाँ पर कांग्रेस का 10% दिया था जो कि 12% मिला। तो वार्ड के चुनाव में जहाँ पे कि टोटल वोट एवरेज वोट की बात कर ले तो 28,000 वोट है और उसमें भी जो पड़े वोट, कहने का मतलब कि 50% मतदान हुआ तो वो वोट रह जाते हैं 28,000 वोट। लेकिन आपने बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ वो एग्जिट पोल बिल्कुल बहुत बड़े किया था। और आप जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आप ये देखेंगे जो बड़ा फर्क पड़ा है हमारे पोल में वो पड़ा है चांदनी चौक ईस्ट दिल्ली में, जो बड़ा अंतर इसकी वजह है 15% मुसलमान आते हैं और मुसलमान का बड़ा वोट जो है आम आदमी पार्टी का अपना जो स्टैंड रहा पिछले 2 महीने में उसके चलते कांग्रेस को शिफ्ट हुआ। तो आप इसी के चलते ये पा रहे हैं कि यदि लोकसभा सीटों की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए चांदनी चौक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली ये 3 लोकसभा जहां पे कि मुसलमान की संख्या 15% है बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे है, ठीक है, बनिस्बत इसके कि 4 सीटों पे बहुत पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रदीप जी की सबसे अच्छी बात यही है जो भी आंकड़ा होता है उसका पूरी तरह से वो सामना करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हो पाया है लेकिन जीत की जो भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी के लिए उनकी ओर से की गई थी वो तो पूरी तरह से सच साबित हुई, ये आंकड़े आपके सामने हैं। हालांकि बीजेपी ने टफ फाइट जरूर दी लेकिन वो काफी ज्यादा पीछे रह गई। अपने बाकी के दोनों मेहमानों का रुख करते हुए संजय जी जल्दी से, अब ये आंकड़े दोनों का ही दावा है, एक तरफ बीजेपी कह रही है मेरा ही मेयर बनेगा, कोई भी बड़ा नेता दिल्ली बीजेपी का मानने को तैयार नहीं है, भैया हार गए हो अब हार स्वीकार करो आगे बढ़ो, इसके पीछे का कारण वजह क्या नजर आती है संजय जी आपको? चित्रा जी स्पष्ट कहूं मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं कि एक पार्टी जीतती है और जीत हार का तो बहुत सिंपल गणित है, बिल्कुल। जिस व्यक्ति को ज्यादा नंबर आए हैं क्लास में वो आगे रहता है, जिसको कम नंबर है वो पीछे है और नंबर भी इतना जो कि साफ दिखाता है कि मेजोरिटी मार्क्स से आगे है, तो जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई है ये आंकड़े तो स्पष्ट बता रहे हैं। अब सवाल है कि इसके बाद भी अगर आप कहें कि भाई मिडिल किसे मिलेगा, मैं अगर क्लास का उदाहरण दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट आया है लेकिन वो जो सेकंड आया वो कहता है लेकिन मिडिल मुझे ही मिलेगा, स्टेज पे मैं खड़ा हूँगा, तो ये गणित मेरी भी समझ में नहीं आता, इसके पीछे कुछ राजनीति होगी। बीजेपी को हार मान लेनी चाहिए, कम से कम ये आंकड़े तो यही बताते 134 104, पर मुझे 30 का बहुत बड़ा फर्क है। मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी को कहने की जरूरत है कि बीजेपी को हार मान लेनी चाहिए, लेकिन ये बात जरूर है बीजेपी का अपना जनाधार खिसका नहीं है, उनका जनाधार बरकरार है, बिल्कुल। लेकिन अगर सीटों के नजरिए से देखें तो हार है, ये मानने में कोई कुरेज नहीं होनी चाहिए। वोट प्रतिशत उनका बढ़ा है विनोद जी, लेकिन वही है कि अभी भी बीजेपी इस उम्मीद में है कि मेयर हमारा मनोज तिवारी से लेकर आदेश गुप्ता तक हर कोई एक जुबान में यही बातें कह रहा है। देखिए बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनकी एक मशहूर कविता है कि हार नहीं मानूंगा, लेकिन उससे अगली लाइन है रार नहीं ठानूंगा। अब ये बीजेपी ये तो माने हार नहीं मानूंगा, अब रार ठानेंगे कि नहीं ठानेंगे, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने एन प्रकार अपना मुख्यमंत्री बनवाई लिया, तो यहाँ तो दल बदल विरोधी कानून भी लागू नहीं होता कॉर्पोरेशन में। ये उम्मीद की बड़ी वजह है, मैं बता रहा हूँ आपको, उस दिन भी हरीश गुप्ता वो आए थे अपने हरीश खुराना, तो यही कह रहे थे नतीजा कुछ भी हो मेयर बीजेपी का ही बनेगा और ये सुबह से सब यही चल रहा है सारे लोग एक सुर में।
मुझे जो है जो बीजेपी की राजनीति इस समय इस दौर की जो बीजेपी की राजनीति लगातार आप देखिए पिछले 4-5-6-7 वर्षों में कि मेघालय में हो गोवा में हो सरकार मतलब वो बनाई लेती है, तो यहाँ भी जो है आम आदमी पार्टी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, अपने कार्पोरेटर्स को कहीं किसी रिजॉर्ट में पार्टी की तरह उनको किसी रिजॉर्ट में भेजे हाँ। मतलब कहीं पंजाब अंजाब में भेज दें ताकि जो है मेयर का चुनाव हो तो वो क्योंकि यहाँ वो तो लागू नहीं होगा दल बदल भी कोई व्हिप जारी नहीं होता बिल्कुल, तो जब ऐसे में तो फ्री है उनको तमाम तरह के प्रलोभन दिए जा सकते हैं, मतलब ये डर सता रहा होगा आम आदमी पार्टी के, ये डर आम आदमी पार्टी को सताना चाहिए क्योंकि जब विधानसभाओं में राज्यों में जहां दल बदल विरोधी कानून लागू है, आप देखिए 45 विधायक महाराष्ट्र में बिल्कुल सीधे के सीधे चले गए शिवसेना जैसी पार्टी से, आप कल्पना कीजिए, तो मध्य प्रदेश में 23 चले गए, कर्नाटक में 15-16 चले गए और उसके बाद सरकार वहां बदल गई, तो इसलिए जो व्यवहारिक राजनीति बीजेपी करती है जिसको प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कहा जाता है कि सत्ता लेनी है ये इनके प्रकार, तो अगर बीजेपी ने ठान लिया होगा तो ये सब दांव पेच हमको आने वाले दिनों में जब मेयर का चुनाव होगा देखने पड़ेगा। मतलब साम दाम दंड भेद विजेंद्र गुप्ता जी सब कुछ करने को बीजेपी तैयार है, सवाल का जवाब आप दीजिएगा जल्दी से। कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक टिप्पणी उनकी मैं ले लेती हूँ मुदित अग्रवाल जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस की तरह नहीं है हमारे नेता जो पैसों पर इधर से उधर चले जाएंगे, और कांग्रेस ने यह हाल क्यों बना लिया? मुदित अग्रवाल जी आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी की, आपका जो मुख्यालय है आम आदमी पार्टी के ठीक सामने दिल्ली कांग्रेस का, उसके ताले तक नहीं खुलते हैं 12 बजे तक, आपके अध्यक्ष वोट नहीं डाल पाते हैं, आपने ऐसा लगा कि दिल्ली छोड़ ही दिया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भरोसे? देखिए सबसे पहला इलेक्शन हुए जनता जनार्दन होती है और हम अपनी हार को स्वीकारते हैं और जो पार्टी जीती है हम उसको बधाई देते हैं, और मैं ये चाहूंगा केजरीवाल जी अब गाली गलौज की राजनीति ना करें और डेवलपमेंट की राजनीति करें, लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति ना करें। देखिए दो चीजें अलग अलग कर लेते हैं, अभी पीछे असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस को 4% वोट बढ़ा था तो हमारा 8% वोट बढ़ा है, बीजेपी का वोट उतना ही रहा, लेकिन ये भी सच्चाई है केजरीवाल जी का 10% वोट गिरा है, हमें उम्मीद थी हम इससे ज्यादा अच्छा करेंगे कम से कम वोट परसेंटेज में, देखिए हम जनता के बीच में गए दोनों सरकार की नाकामियां लेके गए, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दिल्ली को सुधारने का एवं विजन डॉक्यूमेंट लेके गए जिसमें हम ज्यादा सक्सेसफुल थोड़े हद तक हुए हैं लेकिन हमें उम्मीद थी ज्यादा होंगे। एक बात और कहता हूं, देखिए अब एक शब्द देखिए अब बीजेपी आप पार्टी ये कहती है बीजेपी ने बिल्कुल काम नहीं किया एमसीडी, और मैं एग्री करता हूं आप पार्टी से बिल्कुल काम नहीं किया लेकिन तब भी वोट मिला, ऐसे जब बीजेपी कहती है आप पार्टी ने कोई काम नहीं किया सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति की, मैं उससे भी मानता हूं, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और वोट का थोड़ा तालमेल है नहीं, ये एक सच्चाई हमें स्वीकारनी पड़ेगी। अब दोनों की रिजल्ट सामने आ गए हैं और मुझे लगता है जनादेश का सम्मान करना चाहिए, अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है तो उसे जनता के भरोसे की वजह से की है, उनके नेताओं के अंदर विश्वसनीयता है जो कांग्रेस में नहीं है, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते कांग्रेस पार्टी? लेकिन उसके पहले प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कब नहीं किया आपने, बात ही नहीं समझी, फिर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं, मैंने यही तो बोला जो आपने बोला, थोड़ा सा फर्क था, मैंने ये कहा कि हमारी जो कमी है हम उसको स्वीकारते हैं कि हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हम चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ केजरीवाल जी आगे बढ़ के दिल्ली की जनता के काम करें, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज की राजनीति ना करें और झूठ की राजनीति ना करें, ना उन्होंने ना उन्होंने ना 24 घंटे बिजली की आती थी, ये मैं भारतीय जनता पार्टी काम करें बस ये चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता की राजनीति और डेवलपमेंट की राजनीति करें। अरे सर बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी खुलेआम दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं भाजपाइयों को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हमारे पार्षद बिकाऊ नहीं है, भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे, उनके नेताओं को सद्बुद्धि दे, वो बहुत दुखी है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनको अपने इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, पहले भी उन्होंने कोशिश करी है हमारे एमएलए खरीदने की लेकिन हमारे यहाँ कोई बिकने के लिए तैयार नहीं है, मेयर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ही बनेगा और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह का ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपके पार्षद खरीदेंगे, नहीं तो कोई और क्या कारण हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि चेयरमैन तो हमारा ही बनेगा, शर्म आनी चाहिए इनको, ये कलंक है बिल्कुल, इंडिया में डेमोक्रेसी के नाम पे किस तरह की बातें करते रहते हैं कि हर समय
हर स्टेट में ऑपरेशन लोटस करने के अलावा इनको कोई और इनका कोई आइडिया ही नहीं रहता। आप जनता ने जब आपको नकार दिया है तो आपको उसका जनता की उस जनादेश एक बार आपकी बातों पर विजेंद्र जी का जवाब ले लेती हूं, उसके बाद बीजेपी के नेता कैसे दावे कर रहे हैं और पलटवार कैसे बड़े नेताओं की ओर से आपकी ओर से किया जा रहा है वो मैं सुनाऊंगी। लेकिन विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बोर्ड लग गया है, रीना गुप्ता जी बता रही हैं कि हमारे पार्षद बिकाऊ नहीं है, इधर कोई नजर नहीं डाले। चित्रा जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई क्यों है। हम तो बिल्कुल वास्तविकता तो पहले वो बताएं जो इन्होंने पैसे लेके टिकटें बेची, उनकी बातें सुन लेते हैं पहले। उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया और इनके पार्षद के उम्मीदवारों ने और इनके कार्यकर्ताओं ने इनके विधायकों को पीटा, इनकी खुद पार्टी की एक कार्यकर्ता उसने स्टिंग कर लिया इनका, ये तो इतने भ्रष्टाचारी है। पैसे लेकर के केजरीवाल जी ने टिकट बेच दी, इनकी पार्टी ने पैसे भ्रष्टाचारियों को लोगों को लूटने के लिए मैदान में छोड़ दिया और आप आरोप हम पर लगा रहे। सवाल तो ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, आप क्यों नहीं कह रहे? और ये यहाँ पर जो इनकी भाषा है वो साफ रूप से ये जाहिर करती है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टों की पार्टी है। सारे मंत्री हार गए, आप देखिए इनके सारे मंत्री, केजरीवाल जी तो नई दिल्ली असेंबली से आते हैं, वहां तो कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ नहीं, बाकी लगभग इनके सारे मंत्री हार गए अपनी अपनी विधानसभा में, वो हार गए। सत्येंद्र जैन हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, कैलाश गहलोत हार गए, गोपाल राय हार गए, तो पूरी तो कैबिनेट हार गई, तो ये जीते कहां हैं? और आप घबरा रहे हैं? और भ्रष्टाचार इनका मोटिव हो गया है, ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का सिंबल है, ये करप्ट पार्टी है। दिल्ली के अध्यक्ष तक अपनी अपना वार्ड नहीं जीत पाए, और ये जिस तरह की बातें यहाँ कर रहे हैं उससे तो साफ है कि ये खुद बौखलाए हुए हैं कि इनके जो पैसे दे करके इन्होंने जो टिकट जिनको दी थी वो कल को क्या करने वाले हैं हमें तो नहीं मालूम। नहीं नहीं, लेकिन विजेंद्र जी वो फॉर्मूला तो आपसे पूछना पड़ेगा ना, अगर सीटें कम है 30 सीटें तो बीजेपी आत्मविश्वास दिखा रही है, उसके पीछे का क्या फॉर्मूला है आप बताइए ना, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना विजेंद्र जी। हमने चित्रा जी कब कहा है, हमने कब कहा है हमारा मेयर बनेगा, हमने कब कहा है? अब मैं सुना देती हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सुना ही देती हूँ। बीजेपी के नेताओं का वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे और आपका किस तरह से पलटवार हुआ है वो भी सुनिए। सुना देती हूँ विजेंद्र जी, फिर लौट रही हूँ आपके पास। बताइए आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? आम आदमी पार्टी का मेयर जो है इस बार बनेगा और दिल्ली को चमकाया जाएगा। और खामियां रह गई आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें? वो हम समीक्षा करेंगे, वो हमारी बात की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारा मेयर बन जाएगा। देखिए अगले 5 साल अच्छे बीतेंगे, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, मुझे लगता है कि वहाँ पर बदलाव होगा। लोगों ने मेयर बनाना है, मेंबर्स ने मेयर बनाना है, 250 मेंबर्स ने तय करना मेयर कौन होगा, और मेयर बीजेपी का ही होगा, मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा, अंत में जो जीता वही सिकंदर। अब विजेंद्र जी मतलब सांस को आज क्या बताने की जरूरत नहीं है, जो बयान था वो मैंने सुना दिया, अब जरा फॉर्मूला बता दीजिए, मेयर बनाने का कौन सा फॉर्मूला दिल्ली में अख्तियार करेगी बीजेपी? मैं आपको एक मिनट, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो रनिंग आपने जो लोगों से अलग अलग बयान लिए हैं, ये पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है। किस कॉन्टेस्ट में क्या बात हो रही थी, किस तरह की बात कही गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब 10-15 दिन में जब भी हाउस बैठेगा क्या फैसला होगा वो तो उस समय पता लगेगा। लेकिन आज की डेट में मैं इतना कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी 20 सीट लिखकर दे रही थी आपके चैनल पर, और ये 100 सीटें इनकी जो कम आई है ये इनकी अपनी सबसे बड़ी हार है, और भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारे एग्जिट पोल, किसी भी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा था, कोई 60 सीट कहता था बीजेपी की, कोई 70 कहता था, कोई 80 कहता था, आज हमारे 100 से ज्यादा स्वीकार तो कर रहे हैं कम से कम कि हाँ हम उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए। बहुत बड़ा नंबर ऐसा है, रवि गुप्ता जी लाइव टीवी पे स्वीकार कर रहे हैं, आप तो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं, यही तो फर्क है। विजेंद्र जी 91 सीटें एक्सिस माई इंडिया और आज तक के चैनल में कही थी, 91 सीटें, अब 91 से आपकी 104 आई है, तो यह हम मान रहे हैं कि हम फेल हो गए, लेकिन आप इतना तो मान लीजिए आप मेजोरिटी मार्क्स से बहुत दूर हैं तो फेल हो गए, आप इतनी दूर हैं फिर भी कह रहे हैं आप पास हो गए और मेयर बनाएंगे। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए,
बताइए, पहले पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। केजरीवाल जी की पूरी कैबिनेट हार गई, केजरीवाल जी एनडीएमसी से लड़ते हैं, वहां पे एमसीडी का चुनाव नहीं हुआ, पर उनके मनीष सिसोदिया हार गए, उनके सत्येंद्र जैन हार गए, उनके कैलाश गहलोत, उनके जो टॉप मिनिस्टर है गोपाल राय, ये चारों मंत्री हार गए, चार चार मंत्री हार गए, मंत्री के हार गए, सरकारी वही है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, और ये चारों लोग हार गए, असेंबली सीट हारे हैं, ये कहते हम जीत गए। जिसकी जिनकी कैबिनेट हार जाती है, जो पूरी तरह से जिनका 14% वोट 12-13% वोट प्रतिशत कम हो जाता है, जो लिख के देते हैं 20 सीट आएंगी, वहां भारतीय जनता पार्टी की 100 से पार सीट आती है और इनकी 100 सीटें कम आती है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे सामने। विश्वास बना हुआ है प्रदीप गुप्ता जी, लोगों ने इनके बाजीगर फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो बता रहे हैं मंत्री किस तरह से आम आदमी पार्टी के, हालांकि सच्चाई भी है, मंत्रियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड वार्ड में सामने आया है उसमें अब सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया की, वो तमाम इलाके रहे जहां हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। जनता का जो मैंडेट है एमसीडी के संदर्भ में, आपको इसको समझना होगा। चित्रा जी मेरी असेंबली में, रोहिणी असेंबली में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटें जीती है, मेरी असेंबली 17,000 वोटों से जीती है हमने। चित्रा जी, आपको जाता है ना फिर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि नेताओं को मैंडेट को समझना चाहिए, किसी भी पार्टी के हो, कि ये क्लियर है एमसीडी के, एमसीडी से जनता ने बीजेपी को निकाल बाहर किया, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ जो 2 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जीत जो दी थी, आम आदमी पार्टी को भी सतर्क कर दिया कि आप इस उसमें ना रहे कि हम आपको 54% वोट देते हैं और आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, और वो 54% का उठ के 42% आ जाता है, उसने आम आदमी को भी सतर्क किया है। और तीसरी तरफ कांग्रेस को जो है 4% वोट मिला था 2 साल पहले, अब उसको 12% वोट देके भेजा है कि आप अपोजिशन में रह के अपनी भूमिका अदा कीजिए, इसके अलावा इसका कोई मैंडेट नहीं है, जनता ने सभी तीनों पार्टियों को सतर्क किया हुआ, तीनों ही पार्टियों को सतर्क कर दिया। विनोद जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रीना जी, इसके बाद में फौरन आपके पास आती हूं, एक बार विनोद जी की टिप्पणी। देखिए, गुप्ता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, जहां तक एग्जिट पोल्स की बात है, एग्जिट पोल की दिशा बिल्कुल सही थी, आंकड़ों में थोड़ा बहुत कमी बेसी जो स्वीकार कर लिया, इसलिए अब उस पर बहस करना कोई मतलब नहीं है। जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है, देखिए आम आदमी पार्टी को सत्ता तो दे दी, लेकिन साथ में एक मजबूत विपक्ष भी सामने खड़ा कर दिया है, बीजेपी को, और ये मैसेज दिया है कि जैसे विधानसभा चुनावों में थंपिंग मेजोरिटी देके आपको सब कुछ की छूट मिली थी, इस बार आपको सत्ता मिली है लेकिन विपक्ष सामने है, और अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हम क्या करें, अब आपके पास एमसीडी भी है, दिल्ली सरकार भी है, अब दिल्ली को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए, और कांग्रेस के लिए एक उम्मीद छोड़ी है, एक सिल्वर लाइनिंग कि मेहनत करोगे तो शायद कुछ आगे बढ़ सकोगे, मेहनत करने के लिए। लेकिन कांग्रेस को बार बार जो राजनीतिक विश्लेषक है संजय जी, उनको क्यों कहना पड़ेगा, ताला खोलने के लिए तो उन्हीं के किसी नेता को जाना पड़ेगा ना सुबह सुबह दफ्तर में। बिल्कुल, मुझे लगता है चित्रा जी, पत्रकार बाहर खड़े हैं, वहां पे ताला बंद है, असल में कोई पैन दिल्ली नेता नहीं है इस समय कांग्रेस के पास, पर अध्यक्ष और जो तो हैं, कम से कम चले जाना चाहिए, जो हैं वो राष्ट्रीय हो गए, अजय माकन और संदीप दीक्षित, बाकी तो ये आपके अनिल चौधरी हैं, वो भी पैन दिल्ली नेता नहीं है, यही हाल बीजेपी का भी है लोकल लेवल पे, बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई पैन दिल्ली लीडर, लेकिन कम से कम वहां पर सुबह सुबह चहल पहल, और अगर ताला भी नहीं खुले किसी दफ्तर का, और जिस दिन आपके रिजल्ट आने वाले हों तो उस दिन सवाल आपसे पलट कर पूछे जाएंगे कि भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है क्या कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, मुझे लगता है कि समस्या एक नहीं है, और अगर मैं फिर एक एग्जांपल देके कहूं कि, और जैसे जब जिसको हम भूल जाना चाहते हैं कोरोना वाली जब बीमारी थी, किसी को पता नहीं था कि उसका इलाज क्या है, तो अलग अलग तरह के बचाव का प्रिस्क्राइब किया जाता था, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये तमाम तरह की चीजें, कांग्रेस उसी तरह की समस्या से ग्रसित है, किसी को पता नहीं है इसका इलाज क्या है, लीडरशिप की क्राइसिस है, अगर पार्टी वर्कर्स की बात करें डिमोरलाइज है, चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, जनता की बात करें जनता को उसमें भरोसा नहीं है, जनता इस बात को पर भरोसा ही नहीं करती कि ये पार्टी अब चुनाव भी जीत सकती है। अब देखें हर स्टेट बाय स्टेट कांग्रेस चुनाव हार रही है, मोदी जी, और मुझे लगता है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा चित्रा जी की
जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उस वक्त शायद ही कांग्रेस की सरकार राज्य में। मोदी जी जल्दी से एक टिप्पणी राजे, उसके बाद क्लोजिंग कॉमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगी। मोदी जी जल्दी से एक लाइन में सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ विजेंद्र जी, बीच में टोक रहे हैं, उनको कहिए प्लीज चुप रहें। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की आपको पता है बहुत बुरी हालत थी 2020 में, 4% वोट आए थे, उसके बाद हमने मेहनत की और उसको हम 12% पे ले गए। मुझे उम्मीद थी हमें उससे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जिस पथ पे हम अग्रसर हैं हम आगे भी मेहनत करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे हम उठाते रहते हैं। कोरोना काल में हमने 55 लाख लोगों को खाना खिलाया, 5 लाख लोगों को राशन बांटा, जिस कंट्रोल सेंटर का ना इंचार्ज था। हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, ना हिम्मत हारी, ना आगे बढ़ के काम करेंगे। जल्दी से रीना जी, रीना जी, अब आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती तो है ही, अपने पार्षदों को छिपा कर बचा कर रखें। चित्रा जी, मुझे लगता है पहले तो विजेंद्र गुप्ता जी को दिल्ली की कोई सरकारी स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूल में जाना पड़ेगा, जहां पे ये समझ सकते हैं कि विधानसभा में और पार्षद के चुनाव में क्या अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, विजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पार्टी ये समझ ले कि उनको दिल्ली के मैंडेट का रिस्पेक्ट करें, और जो गंदी हरकतें ये पूरे देश में करते आए हैं खरीद फरोख्त की, उसकी इनको दिल्ली में बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद बिकने के लिए तैयार नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बेनामी चंदा, जो भ्रष्टाचार का चंदा इनके पास है, उसको ये प्लीज अपने पास ही रखें और किसी और स्टेट में यूज करें। दिल्ली में इनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली का दंगल तो खत्म हो गया है, लेकिन मेयर को लेकर, उस कुर्सी को लेकर दंगल लगातार जारी रहेगा। बीजेपी अभी भी उस कुर्सी पर अपनी निगाह टिकाए हुए है। ऐसे में पार्षद क्या इधर से उधर होंगे, या लग रहा है आम आदमी पार्टी इंटेक्ट करके अपना मेयर दिल्ली में बदलवा लेगी। आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।